क्या बच्चों इनके फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने फोन में एफ आई आर कैसे करेंगे। तो फिर बहुत ही सिंपल सिंपल इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में सेटिंग, सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में प्राइवेसी, प्राइवेसी पे आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एफ आई आर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इसे अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हैं तो आप इसे बैटन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपको बैक होना है। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी एप्लीकेशन आपके ओपन हो जाएंगे। यहाँ से अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी लोडिंग सेटिंग चल रही है, तो यहाँ पर हमारे लोड होने के बाद में सारे एप्लीकेशन जैसे कि यहाँ से ओपन होंगे। तो आपको जो भी एप्लीकेशन अपने फोन में हाइड करना है तो आप यहाँ से अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन हाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फोन में फेसबुक हमें हाइड करना है तो आप यहाँ से फेसबुक हाइड कर सकते हैं। जो हमारे फोन में ये एप्लीकेशन पहले से ही हाइड है तो हम इसको अनहाइड कर लेते हैं। और यहाँ से आपको जो भी एप्लीकेशन हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपने फोन में वॉच हाइड करना है तो आप यहाँ से वॉच हाइड कर लेंगे। और भी आपको काइंड मास्टर हाइड करना चाहते हैं तो काइंड मास्टर, जो हाइड करना चाहते हैं तो जो हाइड कर लेंगे। इस प्रकार आप अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन हाइड कर सकते हैं। तो आईफोन आपको चेक कर रहे थे जो एप्लीकेशन हमने हाइड की हमारे फोन में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार आप अपने फोन में ऐप हाइड करेंगे। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगा इस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।